हर साल बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं और कुछ फ्लॉप। हर फ्राइडे किसी न किसी की किस्मत बदल जाती है। आज हम बात करेंगे पांच ऐसी फिल्मों की जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म टाइम मशीन की, विच वॉज अ रीमेक ऑफ द फिल्म बैक टू द फ्यूचर। फिल्म में आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह कास्ट किए गए थे। फिल्म की 3/4 शूटिंग खत्म भी हो गई थी कि अचानक से फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने फिल्म को बंद कर दिया और आज तक ये फिल्म पूरी नहीं की गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि अनुराग कश्यप की फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? Well, अनुराग कश्यप's फर्स्ट फिल्म was 5, which never got released. Actually, फिल्म बनने के बाद सेंसर बोर्ड और अनुराग के बीच एक जंग छिड़ गई थी, जिसमें सेंसर बोर्ड चाहता था कि अनुराग अपनी फिल्म में से कुछ सीन्स डिलीट करे, लेकिन अनुराग भी जिद पर अड़े रहे और एज अ रिजल्ट ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि शोमैन सुभाष घई ने आज तक अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म कैसे नहीं की? Well, चलिए आपको एक सीक्रेट बताते हैं। अमिताभ बच्चन ने 1987 में सुभाष घई की फिल्म देवा साइन की थी, लेकिन फिल्म के एक हफ्ते की शूटिंग के बाद ही सुभाष घई ने फिल्म को स्टॉल कर दिया था। सुनो गौर से दुनिया वालों, ये गाना तो आप सबको याद ही होगा। संजय दत्त और सलमान खान पर फिल्माया ये गाना फिल्म 10 का था। ये एक टेक्नो गीक मुकुल आनंद फिल्म थी, लेकिन फिल्म की शूट के दौरान ही मुकुल आनंद का देहांत हो गया और ये फिल्म फिर कभी पूरी नहीं हो पाई। मुन्ना भाई की थर्ड इंस्टॉलमेंट मुन्ना भाई चले अमेरिका के चर्चे हर जगह थे। यहाँ तक कि फिल्म का एक ट्रेलर भी लॉन्च किया गया था, जिसमें संजय दत्त और अर्शद वारसी अमेरिकन स्लैंग्स यूज कर रहे थे। लोगों में काफी उत्सुकता थी मुन्ना भाई सीरीज की थर्ड फिल्म देखने को, लेकिन फिर संजय दत्त को जेल हो गई और फिल्म को स्टॉल कर दिया गया। बट वी श्योरली होप कि राजकुमार हिरानी जल्दी ही मुन्ना भाई की थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर आएं।